हेलो गाइस, वेलकम बैक। फाइनली रियलमी 11 प्रो 5G आ चुका है। आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन का कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। इसी के साथ में इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन का अनबॉक्सिंग वीडियो भी दिखाऊंगा और इस फोन के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिला है इस सीरीज के अंदर, सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना। जल्दी से बात करते हैं इस फोन के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले इस फोन के अनबॉक्सिंग के बारे में बात करते हैं। टिपिकली वही Realme का बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme 11 Pro Plus देखने को मिल जाता है। बॉक्स के अंदर फोन के साथ चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि 100 वॉट का है। फोन का जो लुक है पीछे की तरफ से पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, जिसपे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा एक कैमरा मॉडल देखने को मिल जाता है सर्कल शेप में, जिसपे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है और एक फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है। इसी के साथ इसमें आपको लेदर फिनिश वाला लेयर मिलता है। बाकी इस फोन के फ्रंट के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर मिलती है आपको 6.7 फुल HD प्लस एक 120 हर्ट्ज वाली कर्व एमोलेड डिस्प्ले। ये सेम वही डिस्प्ले है जो Realme के 10 Pro Plus के अंदर देखने को मिला था। कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर भी आपको एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है और आप देख सकते हो डिस्प्ले के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करा है Realme ने। इसके अंदर आपको मिल जाता है Dimensity 7050, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, Dimensity 7050 जो है वो एग्जैक्टली रीब्रांडेड Dimensity 1080 का है, जो कि Realme के 10 Pro Plus फोन के अंदर देखने को मिला था। यहाँ पे Dimensity 1080 के बस एक रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है, बाकी इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। और इसी के साथ इसमें आपको 4X का रैम एंड 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो कि ये रेंज फोन है। तो यही कुछ देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर, जो कि सैमसंग के HP3 सेंसर है, जिसमें आपको OIS भी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है। वैसे देखा जाए तो कैमरा सेंसर इन लोगों ने काफी बेटर करा है। ऊपर से आपको OIS भी मिल जाता है, आप ये इमेज देख सकते हो, बहुत ही अच्छी पिक क्लिक हुई है। बाकी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा Realme ने प्रोवाइड करा है इस फोन के अंदर, और इस फोन से आप 4K वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी इस फोन के अंदर 5000 एमएच की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ इसमें आपको 100 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल कह सकते हो Realme 11 Pro Plus के अंदर जो भी स्पेसिफिकेशन मिलती है वो काफी हद तक मिलती जुलती है Realme 10 Pro Plus के साथ। ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस डिजाइन एंड कैमराज काफी इंप्रूवमेंट करा है Realme ने। और अगर हम फोन के प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 26999 में मिलने वाला है ये फोन। वैसे आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू वीडियो के साथ।